हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए कंगना की मुश्किलें बढ़ रही हैं, कंगना निशाने पर आ रही हैं। कंगना रनौत को हरियाणा की खाप पंचायतों ने चुनौती दे दी है। खाप पंचायत ने कहा हिम्मत अगर है कंगना रनौत में तो हरियाणा में घुसकर दिखा दें। अखिल भारतीय सर्व जातीय पुनिया खाप ने चेतावनी जारी कर कहा है कंगना रनौत के खिलाफ जींद और दूसरी जगहों पर मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। भविष्य में जो फिल्म आएगी कंगना की उसका विरोध किया जाएगा। तो कंगना रनौत को खाप पंचायतों की खुली चेतावनी, कंगना में हिम्मत तो हरियाणा आकर दिखाए कंगना रनौत। इसी तरीके से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कंगना का आमना सामना हुआ था और अब जिस तरीके से किसान आंदोलन में गलत ट्वीट किया कंगना रनौत ने, हालांकि बाद में कंगना ने अपना ट्वीट हटा लिया था, लेकिन इसी गलत ट्वीट की वजह से कंगना रनौत निशाने पर आ गई। लगातार कंगना रनौत से कहा गया कि आप माफी मांगो, पर कंगना पीछे नहीं हटी और इसी के चलते कल पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की जबरदस्त तरीके से तूतू मैं तू तड़ाक ट्विटर पर हुई सार्वजनिक तौर पर, जिसे देश ने देखा। और अब हरियाणा की खाप पंचायतों की तरफ से कंगना को खुली चुनौती और चेतावनी। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कंगना के खिलाफ चंडीगढ़ के दो वकीलों ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उनकी तरफ से मांग की गई है कि पंजाब के बुजुर्गों और अपाहिजों की भावनाएं आहत करने के लिए कंगना के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। पंजाब में कंगना के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है, तो ये एक और परेशानी कंगना रनौत की बढ़ती हुई। दरअसल कंगना रनौत की तरफ से ट्विटर पर जो एक पिक्चर शेयर की गई थी उसमें जिन बुजुर्ग महिला को दिखाया गया था, कंगना रनौत ने उन्हें बिल्किस बानो कहा था जबकि वो महिंदर कौर थी। फैक्ट चेक के बाद ये बात सामने निकल कर आई। हालांकि कंगना रनौत ने अपना वो ट्वीट हटा लिया था जिसमें वो महिंदर कौर को बिल्किस बानो कह रही थी, 100 रुपए दिहाड़ी पर काम करने वाली महिला के तौर पर उनको लेबल कर रही थी, लेकिन इसके बाद कंगना के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ हरियाणा की खाप पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया है कंगना रनौत के खिलाफ। और अब खबर पंजाब से आ रही है, दो वकीलों ने हरियाणा में डीजीपी से मुलाकात कर चंडीगढ़ में माफ कीजिएगा FIR दर्ज करने की मांग की है कंगना के खिलाफ।